Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पोस्ट ऑफिस के पेमेंट्स बैंक की लॉन्चिंग डेट की घोषणा सरकार ने कर दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को लॉन्च करेंगे। यह जानकारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने दी है। पेमेंट्स बैंक के साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप के भी उसी दिन लॉन्च होने की उम्मीद है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप की मदद से कस्टमर लगभग 100 कंपनियों की सर्विसेज के लिए भुगतान कर सकेंगे। इन सर्विसेज में फोन रिचार्ज, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DTH सर्विस, कॉलेज फीस आदि शामिल है। देश के हर जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कम से कम एक ब्रांच होगी और इसका फोकस ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने पर होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत देश में मौजूद लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस ब्रांचों में ग्राहकों के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस भी उपलब्ध होगी। वहीं सरकार इस साल के आखिर तक 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस ब्रांचों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज से जोड़ने की कोशिश में है। ऐसा होने पर देश के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क की गांव तक सीधी पहुंच विकसित हो जाएगी। इस मुद्दे पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO सुरेश सेठी ने कहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 650 ब्रांचों के साथ शुरू होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेज में इसके 3,250 एक्सेस पॉइंट्स होंगे और ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में लगभग 11,000 पोस्टमैन लोगों को घर घर जाकर बैंकिंग सर्विस मुहैया कराएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अपने अकाउंट से लगभग 17 करोड़ पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट लिंक करने की अनुमति है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के शुरू हो जाने से ग्रामीण इलाकों के लोग डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ ले सकेंगे। इसमें मोबाइल ऐप की मदद से या पोस्ट ऑफिस जाकर किसी भी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने की सुविधा शामिल होगी। RTGS, NEFT, IMPS ट्रांजेक्शन जैसी सर्विस का लाभ लिया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल नरेगा का वेतन, सब्सिडी, पेंशन आदि बांटने में भी करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश का तीसरा पेमेंट बैंक होगा। इससे पहले एयरटेल और पेटीएम ने अपना पेमेंट्स बैंक शुरू कर चुका है। वहीं पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट में कोई भी व्यक्ति या छोटे बिजनेस केवल 1 लाख रुपए तक की ही राशि जमा करा सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।